था, मैं आज भी हूँ अपनी किचन में। इस टाइम पे मैं आपको किचन में ही मिलूंगी, केवल उस टाइम, इस टाइम में यानी कि जैसे अभी हो रहा है टाइम 5:30, इस टाइम में आपको किचन में ही मिलूंगी, क्योंकि जब मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तो मैं किचन में जल्दी आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे रात के लिए भी खाना प्रिपेयर करना होता है, रात के लिए भी खाना प्रिपेयर करना होता है, घर के लिए भी और अपने लिए भी। तो रोज़ की तरह आज भी बातें शुरू करते हैं। किचन में ना मक्खियाँ बहुत हो रही हैं, क्योंकि ना जब से हमारा ड्रेन भरा है ना तो गीला हो गया है किचन काफ़ी, तो गीले कपड़े की वजह से ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी, तो आज मतलब जब भी मैं ब्लॉग वगैरह डालती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ या इंस्टा पे रील्स वगैरह डालती हूँ, तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स बोलती हैं कि क्या तुझे इतना टाइम मिल जाता है। तो मतलब मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम बात टाइम मिलने ना मिलने की नहीं होती, टाइम अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम इतना तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना, कि हम 2 मिनट की वीडियो या फिर 1 मिनट का शॉर्ट तो बना ही सकें। रही बात ब्लॉग की, तो ब्लॉग तो हम जैसे कि सभी करते हैं, कैमरा ऑन करके हम लोग अपना डेली वर्क करते रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ अपना भी है। चलो अपनी अपनी सोच है और अपना अपना सबका वो है, मेंटेलिटी है, क्योंकि आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये लगता होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री हैं, देखो कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने लिए आपको टाइम खुद से निकालना पड़ेगा। आप जिस हिसाब से अपना टाइम को जैसे मैनेज करोगे, आपका टाइम बिल्कुल वैसा ही मैनेज होगा, तो यही मेरा सबसे कहना है। तो अभी मैं काट रही हूँ सब्जी, आज मैं बनाऊँगी बीन्स और आलू, कल भी मैंने बनाया था मटर और आलू। तो आलू तो ऐसा है जो सबके साथ घुल मिल जाता है, आलू का नेचर ऐसा है कि वो हर सब्जी के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लेता है, तो इसीलिए मैंने चुना है आलू। तो मैं बना रही हूँ बीन्स आलू, आई एम जस्ट जोकिंग, चुनने की बात नहीं है, बीन्स के साथ आलू भी अच्छे लगते हैं। तो बीन्स और आलू हमारे अपने घर के हैं, तो हम मोस्टली सब्जी अपने घर की खाते हैं, बाकी पापा के लिए तो हम, कल मैंने प्याज के पत्ते बनाए थे, आज मैं पापा के लिए करेले बनाऊँगी। और आज मुझे सबसे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि आज है 1 तारीख और मेरे जो आज भी मेरी नाइट ड्यूटी कंटिन्यू कर दी है, और तब मुझे बहुत बुरा लगता है जब नाइट ड्यूटी अगर आपकी 30 को ख़त्म हो रही है और 1 तारीख को भी तुम्हारी नाइट ड्यूटी कंटिन्यू कर रखी हो, तो ये इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है ये चीज़ ना। और नाइट ड्यूटी तो देखो पसंद ही किसको होती है नाइट ड्यूटी ना, तो मुझे तो देखो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, इट्स अ जॉब, करनी तो पड़ेगी। अगर जॉब हमारी ऐसी होती जहाँ अपनी मन मर्जी से चल पाते तो नहीं चल पाता ना, ये होता है। तो कोई नहीं, आज का दिन भी निकाल लेंगे, बट टेंशन इस चीज़ की है कि जो 12 आवर्स की जो ड्यूटी होती है क्रिटिकल वार्ड में, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है आपको, एक एक पल एक एक सेकंड निकालना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज प्रोलॉन्ग स्टैंड करना पड़ता है आपको। जैसा हमारा क्रिटिकल वार्ड में है, अगर इनकेस आपके पेशेंट का कुछ भी हो जाता है, बोले तो CPR अगर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, पेशेंट सिक हो जाता है, तो आप रेस्ट नहीं कर सकते। वैसे ड्यूटी पे आप रेस्ट करने तो नहीं जाते हो, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा अपनी नींद के साथ, थोड़ा बहुत भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इनकेस आप हमारे पेशेंट सिक हो जाता है, तो नाइट थोड़ा, अगर शुद्ध भाषा में बोलो तो रात काली हो जाती है। तो 2 दिन से तो नाइट थोड़ा वैसी ही जा रही है मेरी बिज़ी। ऐसा नहीं है क्रिटिकल वार्ड में कि आपकी नाइट हमेशा ख़राब जाएगी, कभी कभी अच्छी भी चली जाती है, बट इट्स डिपेंड ऑन पेशेंट कि आपको पेशेंट कैसे मिलते हैं, आपको पेशेंट कैसे असाइन होते हैं। पेशेंट अगर अच्छे असाइन हुए तो नाइट ड्यूटी आपकी अच्छे से जाएगी स्मूथली, अगर पेशेंट थोड़ा आपको सीरियस कंडीशन वाले असाइन हुए हैं, तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, होल नाइट यू हैव टू स्टैंड प्रोलॉन्ग विद द पेशेंट एंड वॉच द वाइटल्स अगेन एंड अगेन, ABG
तो फिर कभी आपको बताएंगे, अभी आपको हमारी मतलब मेरी लैंग्वेज में अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या बातें कर रही है, ए बी जी ओ बी जी है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, चलो फिर कभी आपको बताएंगे जब आप जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे या फिर कभी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैन फॉलोइंग होगी, तब हम आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, अपना इंट्रो भी करवाएंगे और फैमिली मेम्बर से भी मिलवाएंगे, एंड आपको मैं हर एक चीज़ का इंट्रो दूंगी कि मैं क्या करती हूँ और कहाँ जॉब करती हूँ, कहाँ पे रहती हूँ और कौन कौन मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये सब चीज़ें। तो अब काम भी, काम के बातों के साथ साथ हम काम भी करेंगे, तो अब मैं जाऊँगी थोड़ा आलू लेने, तो आप बने रहिए मेरे साथ, तो शुरू करते हैं खाना बनाने की प्रक्रिया। तो हमारे ना दोस्तों आधे से ज़्यादा सब्जी मतलब हमारे अपने खेत में हो जाती है, तो जैसे इस बार हमने आलू बोए थे, पालक बोया था और ये बीन्स बोई थी। बीन्स तो आप अगर तीन चार पेड़ भी लगा लोगे, अगर आपके आपके घर में अगर गमले हैं, स्पेस नहीं है, अगर छोटे छोटे गमले भी हैं, प्लांट्स प्लांट जो बोलते हैं, अगर आप उसके साथ भी लगा लोगे तो भी हो जाएंगे। अगर चार पेड़ भी आप बोते हो ना, तो क्योंकि वो बंच में लगती हैं, आप लोगों को पता होगा, तो एक टाइम के लिए काफ़ी हो जाती है अगर आपकी स्मॉल फैमिली है। स्मॉल फैमिली तो खैर हमारी नहीं है, पर इसने पापा थोड़ा शुगर वाले हो गए तो इसने हमारा थोड़ा चल जाता है। और देखो स्मॉल फैमिली भी नहीं, अगर बिग फैमिली भी है, अगर आपको कुछ भी बनाना है, पुलाव मिक्स वेज, तो काफ़ी हो जाती है बीन्स, क्योंकि बंच में होती है ना, तो काफ़ी हो जाती है। तो जो आलू इस बार हमने बोए थे, आलू पालक बीन्स बोई थी, प्याज नहीं हमने इस बार बोया, थोड़ा ही बोया था, लहसुन बो रखा है और हरी मिर्ची बो रखी है। तो पालक तो हमने काफ़ी टाइम तक खाया, जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनको पालक के साथ चावल बहुत पसंद है, तो मैंने काफ़ी बार उन्हें हमारे गढ़वाली भाषा में कपली बोलते हैं, कपली बना के भी खिलाई है। मुझे खुद चावल के साथ ना सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू दाल। शायद बाहर बारिश आ रही है, दो दिन गर्मी पड़ने लगती है उसके बाद फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती है, आज फिर से ठंडा हो रहा है। कुछ लोगों ने स्वेटर भी पहनी हुई थी जब मैं दूध लेने जा रही थी, इवन मुझे भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। तो वैसे अगर घर में सब्जियाँ, अगर आप जितना ज़्यादा अपने घर में ही बो ना, तो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ आपको पता ही है दवाई वाली है, और फिर हम लोग तो ऐसे हैं कि लेना भी पड़ेगा, है ना। अब हम भी है, अगर सब्जी घर पे ज़्यादा लग भी रही है तो हम रोज़ रोज़ तो वो सब्जी नहीं खा सकते ना, कभी तो कुछ डिफरेंट होगा, इसीलिए पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने घर की सब्जियाँ ही आप खाएं। टमाटर भी हमने बोए थे इस बार, तो ये हैं हमारे खेत के टमाटर जो कि पूरी बास्केट भरी हुई है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल जरूर टमाटर निकलेगा, अगर आप टमाटर बोलोगे मेहनत से तो उसका फल जरूर टमाटर निकलेगा। अब देखो इतनी हमारे घर की सब्जी है तो इतनी सारी हो गई है। पापा के लिए मैंने करेले बनाए हैं, करेले मुझे भी अच्छे लगते हैं और मेरी देवरानी को भी, तो मैंने करेले थोड़ा ज़्यादा काटे। करेले के साथ ना प्याज अगर आप काटो तो स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। और जो ये घर के टमाटर होते हैं ना, ये खट्टे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनसे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। वो छोटे छोटे टमाटर होते हैं ना जिसकी आप चटनी भी बना सकते हो, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनको कच्चा भी खाती हूँ। आप भी खा सकते हैं अगर आप थोड़ा नमक मिर्च में अगर उन्हें खाओ तो आप भी खा सकते हैं। मौसम लगता है फिर से बारिश आ रही है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है। आज तो मशीन में कपड़े भी थे, हमने वो भी नहीं निकाले क्योंकि बारिश आ रही थी, स्पेस भी नहीं है इतना, तो आज कपड़ों की भी छुट्टी है, कल बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे अगर धूप आ जाएगी तो। Thank you.
मेरा खाना हो चुका है रेडी, लगभग रेडी हो चुका है। अब मेरी रहती हैं रोटियाँ, अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, उसके बाद जाऊँगी अपना ड्यूटी। कल मेरा नाइट ऑफ है, मतलब अगर नाइट ऑफ भी हमारा ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर मैं पी रही हूँ चाय, ख़त्म हो गई। तो नाइट ऑफ भी ऐसे निकलता है, मतलब दिन का पता ही नहीं चलता, और जब नाइट होती है तो नाइट ऐसे निकलती है बिल्कुल सो सो के। हम तो नहीं सोते लेकिन टाइम सो जाता है बहुत धीरे धीरे धीरे, घर जाने के बहुत टाइम जल्दी होती है लेकिन टाइम है कि बीतता ही नहीं है। तो आज लास्ट नाइट है, लास्ट भी नहीं है, मतलब मंथ टू मंथ हमारी जैसे नाइट लगती है ना, तो आज मेरी मंथ की स्टार्टिंग वाली नाइट है ड्यूटी वाली। तो फिर ये है, अब देखते हैं। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि 3 दिन से अच्छी नींद नहीं ली है, प्रॉपर नहीं सोए हैं, पर इट्स अ जॉब। मेरा बेबी आ चुका है यहाँ पे, शैतान बेबी, इसको बिल्कुल भी चैन नहीं रहता, इधर से उधर भगती रहती है। हेलो बोलो, चलो मछली जल की सुनाओ सबको, नहीं तो मम्मी डंडा मारेगी। चलो मछली जल की जीवन उसका, मम्मी हाँ जी हाथ लगाओ, ये लो भाई बाहर निकालो। वो देखो मम्मी ने पोएम लगाई आपके लिए, चलो शाक डू डू करो, नहीं करना। अच्छा सबको हेलो कर दो, नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते। दोस्तों व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल फिर से आपको मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ स्वीट डे, हैव अ स्वीट नाइट, स्टे सेफ स्टे हेल्थी, बाय बाय। व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पसंद करें, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ फुल वीडियो देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।